हरदोई में कोतवाली शहर क्षेत्र के डीएम चौराहे के निकट एक अनियंत्रित प्राइवेट बस ने सड़क किनारे खड़े दो व्यक्तियों व एक कार और एक मोटरसाइकिल को भयंकर टक्कर मार दी। आनंद फानंद में घटना स्थल के नजदीक ही पैदल गश्त कर रहे एसपी राजेश द्विवेदी समेत पूरा पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और बस की टक्कर से घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये मेरे द्वारा पुलिस टीम के साथ सिटी में गश्त की जा रही थी। अभी ये सूचना मिली कि एक बस चालक द्वारा लापरवाही से बस चलाते हुए फुटपाथ पर बैठे हुए दो व्यक्तियों पर बस एक्शन कर दिया गया है। वो स्वयं भी नशे की हालत में घायल है जो बस चला रहा था। साथ ही साथ जिन दो व्यक्तियों को टक्कर मारी उसमें से एक से घायल लग रहा है, एक अभी से घायल लग रहा है। सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है और उम्मीद की जाएगी कि सभी ठीक रहे। हादसे में गाड़ियों के चलते उसको मिला तो एक वैन से टक्कर हुई दिखाई पड़ रही, लेकिन जो घायल हुए हैं वो बैठे हुए थे फुटपाथ के ऊपर बेंच के ऊपर। Thank you.